आज आपने सही उपयोग किया समय का। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा जरूर लगेगा। गर्मी और बरसात आता है ढेर सारी बीमारियां भी लेकर के, और धन तो बार बार कमाया जा सकता है, लेकिन जिसका एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया ना, तो फिर वो बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। आज मैं आपके लिए एक मैजिकल चीज लेके आई हूँ जिसका नाम है गोंद कतीरा। इस रेसिपी को आप अगर जान लेंगे ना, तो सालों साल आप अपने परिवार को स्वास्थ्य दे पाएंगे। इसकी कोई कीमत नहीं होती, इवन ये गोंद कतीरे की भी बहुत कम कीमत है। कम कीमत में देगा बहुत लाखों हजारों फायदे। गोंद कतीरा गर्मियों में खाया जाता है, और ये है गोंद जिसे हम सर्दियों में खाते हैं। तो अभी गर्मियों के लिए हमें चाहिए होगा ये गोंद कतीरा, जो कि बड़ा बड़ा कुछ इस तरीके से आता है। जब आप इसे पानी में भिगो के रखेंगे ना, तो ये कई गुना फैल जाता है, और इसका टेक्सचर ना बर्फ जैसा, क्रश बर्फ होता है ना, वैसा हो जाता है। तो मैंने ओवरनाइट इसको रख दिया था, और इसको खाने का भी सही तरीका ये है कि इसको आप ओवरनाइट रख दें, और ये देखिए जैसे क्रस्ट आइस का टेक्सचर होता है ऐसा हो जाएगा। इसका अपना कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन इसके फायदे बड़े हैं। गर्मी में इसको पीने से आपको लू नहीं लगेगी, बदहजमी, हैजा, पेट से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं ना, वो सब खत्म हो जाएगी। इवन आपने देखा होगा कई लोगों को नकसीर की प्रॉब्लम होती है, यानी कि नाक से खून आता है, वो भी खत्म हो जाएगी। इसको पीने के दो तरीके मैं बताऊंगी, एक तो सिकंजी के रूप में बताऊंगी। तो आप किसी ग्लास में थोड़ा सा पुदीना ले लीजिए, 1 से 2 चम्मच आपको ये फुला हुआ गोंद कतीरा डालना है, साथ में ये सिकंजी मसाला जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, 2 हरी इलायची, और इसको अच्छे से भूनने के बाद थोड़ा सा काला नमक और नमक डाल करके इसका महीन पाउडर बना लेंगे। तो इसको भी ग्लास में 1 टीस्पून डालेंगे, साथ में यहाँ सब्जा सीड डाल रही हूँ, ये भी बड़े फायदे का है। इसको कुल्फी फालूदा के साथ आपने खाया होगा, ये मोटापे के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको खाते हैं ना, तो वेट भी लूज होता है, क्योंकि पेट बहुत भरा भरा सा लगता है। अब आप ऊपर तक इसमें सोडा डाल दीजिए, चाहे ठंडा पानी डाल दीजिए, टॉपअप कीजिए, इसको आइस के साथ सारी चीजें मिक्स कीजिए, और मजे से पी जाइए। इसको पीने के बाद ना सारी बीमारियां आपसे डरने लगेंगी। तो ये मेरा तो पर्सनल फेवरेट है, लेकिन बच्चे कभी कभी ये सिकंजी पसंद नहीं करते, तो उनके लिए हम ये दूसरे तरह का ड्रिंक बना रहे हैं, जिसे तो वो ज़रूर पसंद करेंगे, और मेरे बेटे का तो ये फेवरेट है। इसके लिए दही चाहिए, और आपको पता होगा दही से अच्छा प्रोबायोटिक क्या ही होगा। शुगर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, आप बिना शुगर के भी बना सकते हैं। बर्फ़ डाला, और साथ में ये डाला रूह अफ़ज़ा, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। चीनी की जगह आप यहाँ पे मिश्री पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। फिर अब जिस भी ग्लास में आपको सर्व करना हो, 1 टीस्पून से 2 टीस्पून तक आपको उसमें गोंद कतीरा डालना है। एक बात ध्यान रखना है, गोंद कतीरा दिन में सिर्फ एक ही बार लेना है। इसके बाद जो हमने लस्सी तैयार की है, उसको पोर करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, रोज पेटल्स भी ऐड कर सकते हैं। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइए, ताकि अगली वीडियो में मैं आपका धन्यवाद कर पाऊँ। मैं जितना भी आगे बढ़ पा रही हूँ, सिर्फ आप ही की वजह से बढ़ पा रही हूँ। वीडियो बहुत अच्छा है, शेयर करना मत भूलिएगा अपने लोगों के साथ, और चैनल पर नए हैं नलिनीज़ किचन सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। इंडिया के बाहर भी नलिनीज़ किचन को लोग देखने लगे हैं, USA, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, पाकिस्तान, और जाने कहाँ कहाँ से। आप सभी का धन्यवाद।